स्कूल के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल पुस्तक के समान है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ की परिस्थितियों का अवलोकन, परीक्षण और पर्यवेक्षण करते हैं, तो दरअसल अपने विषयगत पाठ का और निपुणतापूर्वक अध्ययन कर रहे होते हैं। घूमने से विद्यार्थी के ज्ञान में जहाँ और गहराई और चिरस्थायीपन आता है, वहीं उसके व्यक्तित्व में उदारता और उदात्तता का भाव भी होता है। परिभ्रमण से जहाँ व्यक्ति में अन्वेषण, जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, वहीं उसके व्यक्तित्व में सामूहिकता, उत्तरदायित्व का बोध, आत्मसम्मान का भाव, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव भी समाहित होता है। संपूर्ण परिभ्रमण काल में जिस प्रकार हमारे विद्यार्थियों ने अनुशासन में रहकर सहयोगात्मक रवैये का परिचय दिया, उससे संपूर्ण यात्रा काल अत्यंत ही ज्ञानपूर्ण, आनंददायक एवं रोमांचक स्मृतियों की दास्तान बन गई, जो हमें संपूर्ण जीवन स्पंदित और आनंदित करती रहेगी। हमारे विभागीय अनुज डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह के प्रबंध किए कौशल ने यात्रा को और सुगम बनाने में अत्यंत ही सहायक सिद्ध हुआ। संत अगस्तीन ने कहा है कि जो कहीं घूमते नहीं, संसार रूपी विशाल पुस्तक का महज एक पन्ना पढ़ते हैं। अतः जब भी आपको अवसर मिले, आप निश्चय ही घूमने जाएं और अपनी यात्राओं के माध्यम से अपने जीवन को और ज्ञानपूर्ण, आनंदमय और सार्थक बनाएं। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, आप खूब खुश रहें।
इसको क्या कहते हैं जो ऊपर से लटक रहा है? चमगादड़ है। अरे 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 ऊपर लाइट लाई है ना।
देश में यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। बाकी
के और भी बच्चे थे, काफी अच्छा ट्रिप रहा। इससे कहीं ना कहीं एक टीम भावना जो है बनी बच्चों में। आप क्लास में बच्चे आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, तो वो एक आपसी समझ आपका डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन वो जो अनुभव है, वो जो बॉन्डिंग है, वो जो डेवलप होता है वहाँ से आने के बाद, वो एक लंबे अंतराल तक चलता है। और यही नहीं, जो वहाँ से अनुभव सूक्ष्म अवलोकन से आप प्राप्त करते हैं, वो अनुभव भी जिंदगी भर आपके साथ रहता है। मुझे भी याद है, मैं भी ट्रिप गया था और आज भी मैं उस अनुभव को संजोए हुए हूँ। तो मेरा आग्रह है सारे बच्चों से कि जो है आप भी ट्रिप प्लान करिए। और ये एक ना सिर्फ सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट होने के बावजूद ये जिंदगी का पार्ट भी बन जाता है एक समय के बाद। और जो चीजें आप किताबों में पढ़ रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप जब भूमि पे अगर देखते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस ट्रिप को सफल बनाने में योगदान दिए। इसमें किसी का बहुत ज्यादा और किसी का कम योगदान नहीं है, मेरा जितना योगदान है, एक एक छात्रों का उतना ही योगदान है, ताकि यह ट्रिप जो है सफल हो पाया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है